हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष केजर। जैसे कि गाइस सभी को पता है, कल है 2nd of November और कल वन एंड ओनली शाहरुख खान सर का बर्थडे है और उनकी अपकमिंग ब्लॉकबस्टर मूवी डंकी का ऑफिशियल टीजर आने वाला है, जिसके रिव्यू भी आउट हो गए हैं। और नो डाउट डंकी का टीजर काफी बड़े बड़े रिकॉर्ड बीट करने वाला है। लेकिन गाइस काफी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि हर्ष भाई कल शाहरुख खान सर की डंकी मूवी का ऑफिशियल टीजर आने वाला है, तो क्या लगता है डे वन में सालार सीज फायर पार्ट वन के ऑफिशियल टीजर का रिकॉर्ड बीट कर सकती है क्या? आपको क्या लगता है डंकी के ऑफिशियल टीजर के बारे में? तो गाइज लिटरली एक बात मैं कहूं ना, तो डंकी के ऑफिशियल टीजर के लिए काफी हेवी रश, ट्रैफिक और दबदबा और हाइप इस लेवल का देखने को मिल रहा है कि भाई सब कुछ भी हो सकता है। अपन सबके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अगर आप ये हमारा वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम ऐसी बैक टू बैक अपडेट लाते रहते हैं। किसके लिए? आप ही के लिए। तो चलिए जान लेते हैं गाइस, गली में थोड़ा सा रश है तो प्लीज उस चीज को अवॉइड कीजिएगा। पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ टीजर के बारे में, कितना ड्यूरेशन होने वाला है, कितने टाइम पर आने वाला है। तो डंकी का ऑफिशियल जो टीजर आने वाला है 2nd of November को आने वाला है, बादशाह शाहरुख खान सर के बर्थडे पे। और गाइस इसका जो ऑफिशियल ड्यूरेशन होने वाला है वो होने वाला है 52nd के अराउंड होने वाला। काफी लोग बोलेंगे यार इतना सा टीजर, भाई साहब उसमें मास्टरपीस जैसी चीजें देखने को मिलेगी। और गाइस इसका जो टाइमिंग होने वाला है तो डेढ़ के अराउंड होने वाला, यानी कि 1:30 PM के अराउंड होने वाला ऑफिशियल टीजर का टाइम। मैं भी देखते हैं क्या होता है। और गाइस अब बात कर लेते हैं टीजर वर्सेस टीजर के बारे में, जो कि सब्सक्राइबर चाहते हैं, प्रभास अन्ना सर के फैन चाहते हैं और जो थोड़े से बीच के जो फैंस है ना वो चाहते हैं। तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूं, डंकी मूवी के लिए काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज देखने को मिल रही है और दोनों मूवी के लिए काफी हेवी रश, ट्रैफिक, दबदबा और खौफनाक इस लेवल का देखने को मिल रहा है कि कोई भी अभी कुछ भी नहीं बोलना चाहता। और गाइज अब बात कर लेते हैं डंकी टीजर के बारे में कि 24 आवर में सालार सीज फायर पार्ट वन के ऑफिशियल टीजर का रिकॉर्ड बीट कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो गाइज मैं आप लोगों को बताऊं ना, सालार कोई छोटा मोटा धुआं नहीं है जिसे ऐसे ऐसे करके करके साफ कर दिया जाए। भाई साहब बहुत तगड़ा अंगार है जिसे बुझाने में भाई साहब सदियां बीतने वाली हैं। तो गाइस पहले अपन बात कर लेते हैं सालार के टीजर के बारे में। तो डे वन में जिस तरह से उसने रिकॉर्ड बनाया था ना भाई साहब, सबको पागल कर दिया था, क्योंकि जिस तरह से भाई साहब मेकिंग देखने को मिली थी ना, तो बस प्राउड वाला वाइब आ रहा था। हाँ तो गाइस जो डे वन में 24 आवर्स में जो उस पर व्यूज आए थे सालार के ऑफिशियल टीजर पे, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं 83 मिलियन प्लस व्यूज आए थे ऑन यूट्यूब पे। उसी के साथ साथ जो लाइक्स आए थे सालार के टीजर पे वो आए थे 1.6 मिलियन प्लस लाइक आए थे। भाई साहब छोटा मोटा रिकॉर्ड नहीं है, बड़े से बड़े रिकॉर्ड है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा KGF चैप्टर 2 का जो रिकॉर्ड था भाई साहब अपने सालार ने तोड़ा है व्यूज के मामले में, लाइक के मामले में नहीं। ओनली 1.6 मिलियन लाइक्स थे अपने सालार के टीजर पे। और गाइस मैं आप लोगों को बताऊं ना, देखिए गाइस बस डर मुझे इस बात का है कि जो डंकी मूवी के डायरेक्टर है राजकुमार हिरानी सर, ऑल सोशल मीडिया के व्यूज को काउंट ना करते हुए बता दे कि भाई 150 मिलियन प्लस व्यूज आए, तो ऐसा ना हो तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जवान के ऑफिशियल प्रीव्यू के टाइम ऐसा हुआ था मेबी के ऑल सोशल मीडिया के जो भी व्यूज थे, तो मेरे भी पता नहीं, हो सकता है ऐसा भी हो सकता है, तो एटले कुमार सर ने सबको इंक्लूड करके डे वन का 24 आवर्स का जो व्यू काउंट था वो शेयर किया था। हाँ तो गाइस पॉसिबिलिटीज ये लग रही है डंकी के ऑफिशियल टीजर की कि डे वन में कितने व्यूज आ सकते हैं। तो गाइस मे बी मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरे अकॉर्डिंग है क्योंकि काफी सारे सब्सक्राइबर जानना चाह रहे, तो भाई 50 मिलियन प्लस व्यूज आ सकते हैं गाइस, आ सकते हैं, या फिर अगर ये भी क्रॉस होता है तो 60 से 70 मिलियन आ सकते हैं। लेकिन सालार सीज फायर पार्ट वन के ऑफिशियल टीजर का रिकॉर्ड बीट नहीं कर सकते, भूल जाइए इस चीज के बारे में, क्योंकि सालार मूवी के लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है। जितना सबसे ज्यादा हेट देखने को मिल रहा है ना भाई सब, उतना हेट है नहीं जितना बनाकर चल। और गाइस काफी लोग बोलेंगे कि हर्ष भाई कैसी बात करे, तो गाइस मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि काफी सारे सब्सक्राइबर ने भी मुझे बोला है, इवन डंकी के जो फैन है शाहरुख खान सर के फैन है, उन्होंने भी मुझसे कहा है पर्सनली कि आप कंपैरिजन जरूर कर दीजिएगा। तो गाइस वो चीज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है और हेटेड जैसी कोई बात नहीं है गाइस, मैं लिटरली मैं हेट नहीं करता हूं, अपना ही इंडियन सिनेमा है, अपने ही शाहरुख खान सर है, अपने ही प्रभास अन्ना सर है और अपना ही सेलिब्रेशन है, तो एंजॉय करना है, सक्सेसफुल मूवी को ब्लॉकबस्टर बनाना है। और गाइस क्योंकि मेरे भी रिव्यू आएंगे कल डंकी के ऑफिशियल टीजर पे, वो भी सबसे पहले। वैसे गाइस आप लोग हमें बताएं डंकी के ऑफिशियल टीजर के लिए
आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है और आपके क्या ओपिनियन है सालार वार से डंकी के बारे में, टीजर के बारे में, डे वन के व्यू काउंट के बारे में, लाइक्स के बारे में, क्या लगता है अपने ओपिनियन भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सालार का डे वन का रिकॉर्ड बीट कर सकती है या नहीं कर सकती। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जिससे कि आपका भाई इंस्पायर्ड और मोटिवेट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।